अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, आज हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फ़र्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ तक हो गया था। सेकंड है जो है ना इमला की दुरुस्तगी। ठीक है, उर्दू में हम आवाज़ हरूफ तहजी जो हैं ते तोएं से सीन स्वाद ज़े ज़ुआत तो ज़ोएं आइन अलिफ़ है जो है इनकी वजह से ना हमारी इमला में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इधर हम इमला की दुरुस्तगी करते हैं। जो दुरुस्त वर्ड है उस पर मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये ताकत है, ये वाला ताकत जो है ये दुरुस्त है, ये ज़िक्र। ठीक है, साबुन हलवा ये है जो है नहीं आएगा। ठीक है, औरत तरीका जालिम सफाई। ठीक है, हुसैन मौका, उसके बाद है तरह ज़रूरत साबित हकूमत एंड जमा। ठीक है, ये जो है जिन पे मैंने टिक किया है ये जो है ये दुरुस्त वर्ड हैं, जो जिन पे नहीं है वो है गलत। ठीक है, उसके बाद हम कवायद पढ़ने लगे हैं, वाह जमा के कायदे। ठीक है, जिन मोनस वाहिद अल्फाज के आखिर में छोटी हो इनकी जमा के लिए छोटी के बाद अलिफ नून गुना बढ़ा दे, जैसे लड़की से लड़कियां और कुर्सी से कुर्सियां। ठीक है, जिस हम कुछ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जिस मोनस वाहिद अल्फाज के आखिर में या हो इनकी जमा में नून गुना बढ़ा देते हैं, जैसे गुड़िया से गुड़ियां, चिड़िया से चिड़ियां। आगे हैं जिन मोनस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ होता है जमा में इनके साथ हमजा छोटी नून गुना बढ़ा दे, जैसे गटा से गटाएँ और हवा से हवाएँ। ठीक है, आगे हैं जिन मोनस वाहिद अल्फाज के आखिर में इनमें से कोई हरफ नहीं होता, जिनका जिक्र ऊपर के 3 कैदों में हुआ है, इनकी जमा के लिए आखिर में ये नून गुना बढ़ा दिए जाते, जैसे बात से बातें दीवार से दीवारें। आगे दिए गए जुमलों में मुतजाद अल्फाज मार कर दोबारा लिखिए। ठीक है, छाओं का क्या होगा, दोब बुजदिल बहादुर नादान अकलमंद खास आम झूठ सच। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आम फीका है। ठीक है, हमने इसका मुजाद करना है कि आम मीठा है, इसका उल्ट करना है। ठीक है, जैसे लिखा सारिम बहुत बहादुर है, इसका बहादुर का क्या होगा, कमज़ोर, सारिम बहुत कमज़ोर है। हीरा सच बोल रही है, इसका सच का क्या होगा, उल्ट झूठ, हीरा झूठ बोल रही है। ठीक है, ये कोई आम बात नहीं, आम का क्या होगा, खास, ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये वो बहुत दाना बच्चा है, दाना होता है नासमझ। ठीक है, ये बहुत नासमझ बच्चा है। आगे मज़दूर धूप में काम कर रहे हैं, मज़दूर छाँव में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी आपने एक्सरसाइज याद करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है अगली हम बुक रीडिंग करते हैं। एक वक्त में एक काम है, काम के वक़्त काम अच्छा और खेल के वक़्त खेल ज़ेबा, जब काम का वक़्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ खेल के वक़्त खूब खेलो कूदो फांदो के डंड पेलो, खुश रहने का ही है यही तरीका, हर बात का सीखिए सलीका, अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना, हर वक़्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम, जब काम में काम और छेड़ा दोनों ही ने पड़ गया बिखेड़ा, है काम के वक़्त काम अच्छा और खेल के वक़्त खेल ज़ेबा। ठीक है, ये जो इसके राइटर जो हैं इस्माइल मल्टी हैं। ठीक है, इनका तारफ़ हम यहाँ पढ़ने लगे हैं। मोहम्मद इस्माइल मल्टी का शुमार उर्दू के बुलंद पाया शायरों में होता है, वो ठीक है 12 नवंबर ठीक है 1844 को मेरठ में पैदा हुए, इब्तदाई तलीम मेरठ में ही हासिल की, तलीम मुकम्मल करने के बाद सहारनपुर के ज़री स्कूल और आगरा के स्कूल में फ़ारसी के उस्ताद रहे, रिटायर्ड होने के बाद बाकी उम्र किताबें लिखने में गुजार दी, आला काबिलियत और अदबी खिदमात के सिले में खान साहब का खिताब मिला, बच्चों के लिए मुतअद्दद दरसी किताबें लिखी, एक कलियात उनकी यादगार है, गज़लियात के अलावा इन्होंने अख़लाक़ी नज़में किस्से और कहानियाँ भी लिखी हैं। 1978 है को मेरठ में इंतकाल कर गए। ठीक है, इतना साथ हमने इसके अल्फाज में भी याद करनी है। पहले हमने इसके ना जो इमला वर्ड हैं वो हमने पहले देखने हैं कि कौन से हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये हैं इमला के लफ्ज़। ठीक है, भूले सलीका अंजाम हिम्मत बेहतरी बिखेड़ा मुश्किल तरीका। ये जो 8 वर्ड हैं आपने अच्छे से इसकी इमला याद करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ हम वर्ड्स मीनिंग भी याद करेंगे। ज़ेबा कहते हैं मौजू, डंड पेलना का मतलब है ख़ास किस्म की वर्जिश, बिखेरा फैलावा।
ठीक है, खुश उसलूबी अच्छे तरीके से अंजाम इख्तिताम सलीका अच्छे तरीके से काम करना। ठीक है, ये इसकी अच्छे से रीडिंग, ठीक है, इसके वर्ड्स मीनिंग, इसकी जो इमला है वो भी अच्छे से, और पीछे जो हमने किए हैं ये वाला, ठीक है, इमला, और ये आपने अच्छे से सारा याद करना है। ठीक है।